Welcome to Abhipedia, guys. Today we are going to discuss another important topic, that is N95. Recently आपने सुना होगा कि that in Delhi health emergency declare हुई, ठीक है? हमने already cover किया हो, right? Now health emergency के अंदर उन्होंने बोला कि घर से बाहर नहीं निकला due to very high pollution. अब वो बोलते हैं कि अगर निकलना है तो उसके लिए एक mask दिया गया, जिसका नाम आपने news के अंदर सुना होगा, that is N95. Now the very important question is, what is N95? ऐसा question आपको UPSC, Civil Services, State या और बहुत से exam के अंदर आ सकता है. देखो, now we have to understand के N का मतलब क्या है? 95 का. क्या है N? Means Delhi है, New Delhi, right? या 95 means के उसका price 95. ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आपको pre के अंदर ऐसा question आता है, right? तो आपने ये सोचना है कि इसका answer क्या होगा. So let us start. Now, first is classification. कोई भी mask है, उसकी कोई ना कोई classification है, right? So first is NPR. The classification is like NPR, right? तो first ये जानेंगे कि N का मतलब क्या है? N means not oil resistance. N means not oil resistance. के ये वाला oil resistance नहीं है. Right. Now P means oil proof. Oil proof. Whereas R means resistant. Resistant to oil. चलो इतना समझ आ गया हमें. ये तो एक classification है. That is N क्या है, P क्या है, and R क्या है. तो जो N95, उसके आगे N लगाया, that is not oil resistance. Now next one is classification of 95. तो सेकंड क्लासिफिकेशन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 95. तो जितने भी मास्क है मेनली जो बेसिकली हम यूज करते हैं उसके अंदर एक क्लासिफिकेशन दी हुई है, दैट फॉर एग्जांपल 95 मींस इट विल रिमूव 95% ऑफ 0.3 माइक्रोन पार्टिकल्स, राइट? 0.3 माइक्रोन मतलब 0.3 माइक्रोन मींस माइक्रोन मींस माइक्रोमीटर. इट मींस अगर 95 लगाया उसके आगे ये वाला मास्क क्या करेगा, 0.3 माइक्रोन साइज के कोई भी पार्टिकल है उससे बड़े वाले साइज को रिमूव कर देगा. मतलब अगर इससे छोटा साइज होगा किसी पार्टिकल का, दैट कैन पास थ्रू अ मास्क. चलो सेकंड वन इज 99. सिमिलर प्रोसेस, 95% तक रिमूव करता है, राइट? 99% तक रिमूव करता है. थर्ड वन इज 100. 100 मींस इट विल रिमूव 100% ऑफ 0.3. बट ऐसा नहीं होता, अगर 100 है तो ऐसा नहीं कि 100 रिमूव करेगा. ये रिमूव कितना करेगा, अराउंड 99.9% इतना रिमूव कर सकता है. चलो ये भी समझ आ गया हमें. सो इट मींस कि जो दिल्ली के अंदर मास्क यूज हुआ है जिसको बोलते हैं दैट N95 मींस, N मींस नॉट ऑयल रेजिस्टेंस, राइट? 95 मींस इट विल रिमूव द पार्टिकल्स the size of which is 0.3 micron or more, right? ठीक है, up to 95%. तो ये हमारा बन गया. अब क्वेश्चन आता है कि PR क्या है? दो तीन क्वेश्चन जो प्रीलिम के अंदर पूछे जा सकते हैं. What does P and R means? P means oil proof and resistant to oil. अब ऐसे मास्क को हमने दिल्ली के अंदर क्यों नहीं यूज करते? देखो ऐसे मास्क को हम मोस्टली यूज करते हैं इन इंडस्ट्रीज. ये वाले मास्क हम इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं, स्पेशली इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज. पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज या ऑयल इंडस्ट्रीज उनके अंदर यूज होते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर ये ऑयल रेजिस्टेंस की जरूरत ही नहीं है हमें, राइट? नाउ 95% के हमने 95 को ही क्यों चूज किया? देखो 95% एक तो 0.3 माइक्रोन से बड़े साइज को रिमूव करता है, राइट? नाउ सेकंड थिंग इज कि हमने फिर 100 क्यों नहीं यूज किया? अब ये तो देखो 99.9% रिमूव कर रहा है. उसका रीजन है कि if we use 100%, it can lead to a little bit suffocation. Although ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा होगी, तो most comfortable हमें सांस भी तो लेना है, right? तो most comfortable जो studies के अंदर पाया गया 95. So इसलिए दिल्ली के अंदर use करते हैं N95, right? Now next thing, अब बन गया N95. मैंने already समझा दिया that N means not oil resistance. Then 95 means it can remove particle up to 95%. चलो, now next thing. देखो, now next thing is purpose. के N95 को हम लेकर तो आए, पर इसका purpose क्या था?
देखो N95 को बेसिकली हमने इंट्रोड्यूस किया था टू प्रिवेंट इन्फ्लुएंजा वायरस, टू प्रिवेंट इन्फ्लुएंजा वायरस. इन्फ्लुएंजा वायरस इज जिस इट कॉज मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी डिजीजेस. तो अगर किसी को जैसे कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज हुई तो वो मास्क यूज करता है, दैट इज N95. नाउ द क्वेश्चन, द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम पर्सपेक्टिव, कि हमने इन्फ्लुएंजा वायरस को यूज किया, अब N95 की स्पेसिफिकेशन क्या है? इट कैन रिमूव द पार्टिकल विच आर लार्जर देन 0.3 माइक्रोन. ठीक है, बट द साइज ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इज अराउंड 0.17 माइक्रोन. अब बताओ, अब देखो, जिसके लिए हमने बनाया था N95 वो तो उससे बड़े पार्टिकल को रिमूव करते हैं, वेरियस द साइज ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इज जस्ट 0.17. तो क्या अब N95 अगर आपको एग्जाम के अंदर आया, क्या ये रिमूव कर पाएगा? नहीं करेगा नॉर्मली, है ना, क्योंकि साइज ही उसका बड़ा है, उसके पोर्स बड़े, तो उसके अंदर इजिली दिस इन्फ्लुएंजा वायरस कैन पेनिट्रेट. बट ऐसा नहीं है, एग्जाम के अंदर ये कंफ्यूज नहीं होना. द रीजन इज वो बोलता है दैट इन्फ्लुएंजा वायरस कैन नॉट ट्रेवल अलोन. ऐसा नहीं है कि वो एयर के अंदर अपने आप ट्रेवल करेगा. तो किसके जैसे, फॉर एग्जाम्पल कफ, थ्रू अ कफ उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट होंगे. अब ड्रॉपलेट का साइज इज मीन्स दैट इन्फ्लुएंजा वायरस कैन ट्रेवल विद ड्रॉपलेट. ड्रॉपलेट प्लस इन्फ्लुएंजा वायरस ऐसे ट्रेवल करते हैं एयर के अंदर. नाउ विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉपलेट द साइज ऑफ दिस इन्फ्लुएंजा वायरस बिकम अराउंड 5 माइक्रोन. 5 माइक्रोन के अराउंड इसका साइज हो जाता है, राइट? सो इट मींस के अब देखो N95 कितना, 0.3, अब इसका 5 माइक्रोन बड़ा साइज है, सो इट कैन नॉट पेनिट्रेट. और अगर आपको एग्जाम के अंदर आता है दैट इट प्रिवेंट और नो इन्फ्लुएंजा वायरस कैन पार्टी कैन वी कैन से पेनिट्रेट द N95 मास्क, तो गलत होगा. यस, N95 इज यूज्ड टू वी कैन से डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ वी कैन से रेस्पिरेटरी डिजीजेस एंड अदर डिजीजेस, राइट? बट ऐसा नहीं है कि वो फुली उसको 100% प्रिवेंट कर देगा. इट डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, ऐसा एग्जाम के आपके लिखना है, राइट? नाउ नेक्स्ट, सो पर्पज इज डिक्रीज रिस्क फ्रॉम इन्फ्लुएंजा वायरस. द सेकेंड वन, चलो थोड़ा सा और आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक चीज बता देता हूँ. देखो इट मीन्स कि अब लास्ट के अंदर आपने क्या समझना है फॉर प्रीलिम, इट इज के इट कैन डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ इन्फ्लुएंजा. फर्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन एटम, देखो ऑक्सीजन एटम का साइज कितना है, अराउंड 0.0005 माइक्रोन. इट मीन्स ऑक्सीजन एटम कैन इजिली पेनिट्रेट, राइट? नाउ द सेकेंड इज के CO2, द साइज ऑफ CO2 एटम इज अराउंड 0.0065 माइक्रोन. इट मींस ये भी इजीली पेनिट्रेट करेगा हमारे मास्क के अंदर. अगर आपकी ऑक्सीजन या CO2 का साइज बड़ा होता है तो सांस कैसे आती है, आदमी तो मर जाता है ना, तो घुटन भी महसूस नहीं होनी चाहिए. इट मींस के द ऑक्सीजन द साइज एटम द साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस एज कंपेयर टू 0.3 माइक्रोन. तो इट मीन्स कि अगर इनका साइज 0.3 माइक्रोन से बड़ा होता दे कैन नॉट पेनिट्रेट, तो हमें सांस ही नहीं आती है ना. तो इनका साइज छोटा है सो सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं. सो दैट्स व्हाई वी हैव सिलेक्टेड N95 एंड टू डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस. ओके, नाउ दिस इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ N95. फर्स्ट इज इट इज अ रेजिस्टेंस टू ऑयल. सेकेंड इज इन्फ्लुएंजा वायरस कैन नॉट पेनिट्रेट इन N95 मास्क. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो अपना आंसर दीजिए. यू कैन ऑल्सो पुट यूर आंसर इन यू कैन इन कमेंट बॉक्स, राइट? एंड सेकेंडली यू कैन ऑल्सो सजेस्ट सम न्यू थिंग्स, तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे. इवन यू कैन डिस्कस द वेरियस वी कैन से यूर क्वेरीज अराउंड विद रिस्पेक्ट टू N95 मास्क. सो दिस इज ऑल अबाउट N95 मार्क्स. मुझे यकीन है कि आपको समझ आया होगा. सो थैंक यू वेरी मच.